Subscribe to our channel Awaaz TV and press the bell icon for updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शिंडेस प्रोग्राम में हाजिर आई हूँ। मैं रज़ाक सरोई ए मुसा गड आए अख्तियार खोखर। नाज़रीन, पीटीआई जी सरकार के अज ब साल मुकम्मल थी व्या आइन ऐं तब्दीली जे नाले ते आयल ही हुकूमत पंहिंजे इन बिन सालन जे दौरान कहिड़ी तब्दीली आंदी आहे, अवाम उन्हनि मां छा एक्सपेक्ट करे पियो, अवाम खे छा हासिल थियो आहे, गवर्नेंस जा मामला किथे पहुता, मईशत, तालीम, सिहत जो शोबो, कानून साज़ी, इहे समूरा मामला कहिड़े हंधि बीठल आहिनि ऐं हीअ सरकार दवाऊं कहिड़ियूं करे पई, उन हवाले सां गुफ़्तगु थींदी। ऐं असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर तजज़ निगार आहिनि, कानूनदान आहिनि, साईं शाह बोस्तो साहिबु। साईं सलाम अलैकुम। साईं वालेकुम सलाम। शाह साहिबु, पी टी आई सरकार जा ॿ साल मुकमल थिया ऐं हुकूमत जेके अवाम खे रिलीफ ॾेई सघी, तब्दीली आणे सघी, न आणे सघी, अवाम छा पियो चाहे, इन हवाले सां असां चाहींदासीं त तव्हां पंहिंजो असांखे फीडबैक ऐं आउटपुट ॾियो त तव्हां कीअं था ॾिसो त पी टी आई जी सरकार ॿिनि सालनि में कहिड़ा टारगेट्स अचीव करे सघी आहे, या अवाम जेको एक्सपेक्ट करे पियो उन्हनि खे केतिरे हद तक ताईं उनखे मुतमैन करे सघी। साईं ॾिसो, मां ज़रूरु जेके वॾा वाइदा कया हुया ऐं जंहिं तरीक़े सां इमरान ख़ान साहबु इहो दावो कयो हुयो त पी एम एल ऐं पी पी मुल्क खे तबाह बर्बाद करे छॾियो आहे करप्शन करे, ऐं असां मुल्क में बुनियादी क़िस्म जा सुधारा बल्कि इंकलाब आणींदासीं, ख़ासि तौर ते जेको असांजो अदालती निज़ाम आहे उनखे ठीकु कंदासीं, मुल्क जी इकानमीअ खे जेको आहे सो बहितर कंदासीं, ऐं जेको आई एम एफ वारी जेका हर वक़्तु असांखे ज़रूरत थी पवे उनखां मुल्क खे बचाईंदासीं। ऐं इन खां अलावा इमरान ख़ान साहिब जो जेको तमामु घणो ज़ोर हुयो त असां गवर्नेंस ठीकु कंदासीं, ऐं गवर्नेंस जो मतिलबु इहो आहे त एफिशंसी आणींदासीं ऐं प्लस करप्शन ख़तमु कंदासीं इदारनि मां। सो हाणे जेकॾहिं तव्हां इहे सभई जेके दावा हुया इमरान ख़ान साहिब जा उनजो जेकॾहिं तव्हां तफ़सीली जाइज़ो वठंदव त ॿिनि सालनि में मां सम्झां थो त बजाए इन्हनि दावनि खे तस्लीम कराइण जे ऐं अमली तौर ते पंहिंजो जेको एजेंडा आहे उनखे जेको आहे सो माण्हुनि जे अॻियां मञराइण जे, मूंखे ईअं थो लॻे त अञा इमरान ख़ान साहिबु इन्हनि सभिनी मामलनि में गुज़िरियल ॿिनि सालनि में वधीक जेको आहे सो मसाला पैदा कया आहिनि। ऐं तव्हां ॾिसो त अदालती निज़ाम हिन वक़्तु वॾे हिकिड़े बुहरान जो शिकार आहे, डैब जेकी इंतिहाई तकरारी ऑर्गनाइज़ेशन बणिजी चुको आहे मुल्क जे अंदरि, तव्हां इकोनॉमी जेकॾहिं ॾिसंदव त उनजी सूरताल पहिरों खां वधीक ख़राबु आहे। गुज़िरियल ॿिनि सालनि में जेके इमरान ख़ान साहिबु कर्ज़ खया आहिनि आई एम एफ खां, उहे शायदि पी एम एल एन पंजनि सालनि में बि कोन खया। ऐं इन खां वधीक जेका ख़तरनाक सूरताल इहा पैदा थी आहे त इमरान ख़ान साहिबु जेको हिकिड़ो वाइदो कयो हुयो तब्दीलीअ जो, उन वाइदे खे पूरे न करण जे करे माण्हुनि में हिकिड़ो निराश पैदा थियो आहे, हिकिड़ी मायूसी पैदा थी आहे आम माण्हूअ में। हाणे चवण त सियासी तब्दीलीअ ज़रिए मुल्क खे बहितर करण जो जेको हिकिड़ो हिकिड़ी जेका उमेद पैदा कई इमरान ख़ान, उहो उन उमेद मां ई माण्हुनि जो जेको आहे वेसाह ख़तमु थी वियो आहे। इहो ॾाढो ख़तरनाक आहे, तव्हांजी पूरी जेका हिकिड़ी जंहिं शइ ते जेको आहे सो डेमोक्रेसी पलबी आहे उहा आहे उमेद, उहा ई ख़तमु थी वञे। ॿियो जेको इमरान ख़ान साहिबु जेको ज़ुल्म कयो आहे उहो इहो त हुन सॼे पूरे सिस्टम खे एस्टेब्लिशमेंट जे हवाले करे छॾियो आहे। ऐं हिन वक़्तु तव्हां जेकॾहिं ॾिसो त हिकिड़ी आम ज़बान इहा ई आहे, आम जेको हिकिड़ो तासुरु आहे त भई इमरान ख़ान त खटपुट
असली आ इमरान खान त जो को सिलेक्टेड आ उन जे का पाजी असे ते को निकालण वाला पहुंचे छै यो निको खतरनाक म समझन तो तासुर है उन में काफी हकीकत भी हुंदी सही अच्छा भला सही साईं यो बुधाए जो त इमरान खान साहब जा जेके वजीर हन मशीर हन वे समूरा यो चवन था तो भाई इमरान खान जी हुकूमत में घट करप्शन कोन थी आए मनी लॉन्ड्रिंग कोन थी आए इन किस्म जा जेके खतरनाक किस्म जा संगीन डोह हन उए कोन थी आए त इन में केतरी हकीकत आ जेके हु चवन था तो करप्शन न थी आए जदे त अपोजिशन चे थी त एतरी करप्शन त अग में कोन थी सो गाली आए त हने करप्शन एकड़ो ओड़ो लफ्ज आ जेके डिस्क्राइब करण दुखियो आ करप्शन जा कोन तरीका है सिर्फ करप्शन जाने पीपल्स पार्टी सावट सिंध में कंदी रही है यो एकड़ो तरीको आ है तमा सिदो सो बजट जा पैसा खाई वणो कामोरा लगायो पैसा वठी को भी तरक्याती कमी न कयो वो बजट में दिखारे छड्यो आने एड़े किस्म जा जेके ओछा एतरा जेका जेके एकड़ा जाहिरन ता के नजर था अचन तरीका करप्शन करण जा जेके ने तमा उए कंदो तो उनसा जाहिर ता जी बदनामी थींदी वो जल्दी जाहिर तो थे बया तरीका है जो शरीफ कंदा या शरीफन जो तरीको हों करप्शन भी कंदा पर तरीके से कंदा डेवलपमेंट भी कंदा 10% पांजो भी खाई छंदा मथा फर्ज के 100 अरब रुपए जो कम थियो 10 अरब पान खाई छियो पर 90 अरब रुपए पंजाब में कम जरूर थियो सो केपी में भी जका सूरत हाल है वो डिफरेंट आ केपी में भी काफी इल्जाम लगा है बीआरटी जे मंसूबे जे हवाले सा मालम जब्बा प्रोजेक्ट जे हवाले सा खुद नैब के चेयरमैन जो इंटरव्यू जो आयो तब भी बुध होंद उन में साफ चाहिए तो परवेज खटक के खिलाफ अस तमाम घना सबूत मौजूद है पर अस उन खिलाफ एक्शन हाली ना खड़ चाहिए तो जो अस पीटीआई के खिलाफ एक्शन खाऊ तो गवर्नमेंट किरी पौंदी सो हाँ ये सभी मुख्तलिफ इल्जाम शाब साहब कैंडली मतलब नजर वो ही मसलो जो है इमरान खान के पां मतलब काबिलियत जो या कैपेसिटी जो आ या उन हथ बदल या बाहरी मुदाखलत जो इन गवर्नमेंट में जो प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम जो सो इन नाअली है या जो सो इन कम कर नो वे या जो तेज इन गाल में बुधा त मुदाखलत तमाम घनी आ बन इदार तासुर डेवलप थी इन पाँ हथ में तो कुछ भी कोने को ये सब कुछ बया कन तो इन में मतलब ये सब बई शल या इन में कंखे जिम्मेवार करार दूँ बिल्कुल इमरान खान के जिम्मेवार करार दीदम उन सबब यो तमझो था तथा हथ बदल इस्तीफा दियन घुर्ज तो यो सियासी जो रोल है वो जहा नए सो जो तू सा वायदा क्या उ उनकी वजूहत कड़ी भी तुम हथ बदल आ पेर बदल कम नो को दिनों वे तो इं भी नालायकी इमरान खान की तो वो पान के उन एडो त मजबूर ए मोहताज कर छो जो वो अमली तौर से पोलिटिकल एजेंडा जो है इम्प्लीमेंट नो कर सके जाहरा तेजें कम ना करो सिर्फ हुकूमत में बहणो आ तो इमरान खान अरबाब गुलाम रहीम या जी चौधरी वेठा पंजाब में हालांकि चौधरी पंजाब में काफी कम कर उनमें कड़ो फर्क आ पर जैसे वाकई तब्दीली आणनी आज मुल्क के जो सो चवे तो ईस्ट एशियन कंट्रीज के मुकाबले में बिहारी अची जो मुल्क तरक्की कराणो आहिर पोलिटिकल एजेंडा के इम्प्लीमेंट करो तो जैसे इन चो तुझा हथ बदा पियान भाई तुझा हथ बदा पियान तो तू मत या तो हथ आजाद कर इम्प्लीमेंट ये इमरान खान ही नाराज किया जो ब्याह तो कम जो प्रोग्राम खसे वह या तो काबिज थी या मिनिस्टर तुझे मत काबिज कर छाया तो या एडवाइजर या पोलिटिकल असिस्टेंट्स कतार वेठी या पूरी कैबिनेट जो मुशरफ की कैबिनेट तुझे मत थोपे छी अतों
या सही नालायकी प्राइम मिनिस्टर के नालायकी यो यो अच्छा 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 शोब साहब अज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कई इस्लामाबाद में इन खा अग में उन्होंने मुलाकात थी सरदार अख्तर मेंगल जो चवण यो है तो एपीसी के हवाले से असोसे पॉलिटिकल जो सूरत हाल हुई उनसे असा उन बिलावल भुट्टो जरदारी चो तो मौजूदा दौर जो शरीफ दीन पीरजादो है उनको नालो उन्होंने खो पर वो फरोग नसीम दा उनको इशारो हो उनको चवण यो तो वो अड़े किस्म जो सलाहूँ डे पो वजीर आजम के हाँ ताज़ी एक सलाह उन दिनी है तो भाई अपोजिशन से ाल जरूरत ही कोने असा कानून साजी कर सकूँ था तो यो कि समझो था इन किस्म की सलाह मशवरे दियण से वाकई भी अपोजिशन की जरूरत को होंगी हुकूमत कानून साजी कराई वी छो तो कानून साजी तो थी को सच से उनको केर लीडर हो किथा परवान चढ़ो आ सियासत में आंदो लीडर जो इंसाफ हुसैन जो एजेंडा हो पाकिस्तान टोड़ो सो हाँ जैसे इन के बावजूद भी इस्टैब्लिशमेंट के यो मू प्यारो बेसिकली तो यो मू इस्टैब्लिशमेंट जो हाँ जैसे उन मशवरे से इमरान खान तो हल तो हाँ वो वही गाल पैरों पर कई तो वरी को नालायक इमरान खान की आ तो भाई अल्लाह से तो लीडर बनाया हुआ तू पान के तमाम वो लीडर तो समझे तो तू पांचों दिमाग लड़ाए ना गाल है तो जैसे ऑर्डिनेंस से मुल्क के हलाइंद तो यो तो बंद कर छो पार्लियामेंट के सिर्फ कानून के जो सो इन्फोर्स या प्रोपलगेट कर जरूरी एतो इम्पोर्टेंट न हों पर उनके लेजिटिमेसी मिलती है प्रोविंशियल में पार्लियामेंट की पूरे मुल्क की पार्लियामेंट चूंडल पार्लियामेंट जहाँ जैसे नुमाइंदा वो कानून साधी करना है उनकी दुनिया में उनकी तमाम घनी सो रिस्पेक्ट होंगी ये जो कानून ठाइन था कुलभूषण यादव के हवाले से यो ऑर्डिनेंस की सूरत में अचे तो यह तो शर्मनाक गाल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तरफा तवे जैसे एक डिसीशन आई है तो उनकी तामील में यह कानून साजी था तो पार्लियामेंट के थ्रू कानून साजी करनी है फारूक नसीम के घर तो वे फारूक नसीम तो चाहिए तो भल यो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो खत्म थे तो जो वरी भली सीधो नैकेट जो सो मार्शल जो दौर वापस अचे जैमें एलपीएम टाइप पार्टियों की अलह बुद्ध एलपीएम जड़ी पार्टियों या उन पार्टी जे वफादार हैं अजू भी वेठा जो इमरान खान से जिनमें फारूक नसीम भी आो गिलगती बैरिस्टर सैफ ये तो बेसिकली पैदावारी मार्शल आ मुशरफ के दौर में इन सिंधु के लुटो मुल्क में जै तरीके से मजे से जिंदगी गुजारी आंदर वापस अचे एमपीएम कदें भी डेमोक्रेसी ने सपोर्ट न किया एमपीएम हमेशा जो सो चाहती है तो इस्टैब्लिशमेंट हो पावरफुल बार्गेन क्यों सी सिंधु के असा वेठा खटपुतली प्राइम चीफ मिनिस्टर लगाए सिंधु के असा रूल कहीं वेठा सो इन भी वही एजेंडा है पर सवाल यो तो पैदा थे तो इमरान खान बेवकूफ आगे अला अकुल नो आतरी भी समझ उनके को भाई सेनेट में तक मेजॉरिटी को जेस ती को मोडस अपरेंट आए ऑपोजिशन से पैदा न कौ जे नैशनल इंपॉर्टेंस जहा इशूज आन जैसे उन मामलों से जैसे ऑपोजिशन से मिली एमएलए तदबुर से जैसे कानून साजी न कौ तो इदारा कि ठीक बिन साल में तुझा तो कोई अड़ो कानून है जिसे अस चई सकूँ या इमरान खान वे अचीवमेंट आो भी कानून को सब ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस चार महीने का ऑर्डिनेंस लैप्स ठीक वही वही शुआब होस्तो साहब अच्छा अख्तियार मुख्तसर मुझे तो ब्रेक जो टाइम भी थे तो पो तो अपोजिशन जहाँ मोबिलाइज पी थे राबता शाबता थन पा फजलुर रहमान साहब इतने आयो बिलावल से मिलो बिलावल उतने वो आ उत सरदार अख्तर मेंगल जी उन मुलाकात थी है तुम समझो तो अपोजिशन जहाँ इन पोजिशन में है तो कुछ न कुछ इन हुकूमत के लिए कोई टफ टाइम पैदा कर सके इन तब्दील करने के लिए कुछ कर सके ये वान अंदर का तब्दीली अची सके या बाहर
मोबिलाइजेशन पोजीशन घट में घट इन पोजीशन में तो ना है तो को हुकूमत जी तदावेड कर सके या ईमान अंदर तब्दीली आने सके छाकाण उन लाइ उन्हें वो अक्सर आए को असेंबली में कोने का पर अपोजिशन घट में घट इन पोजिशन में जरूर आ तो हुकूमत के उन जैम कर हुकूमत जी शाब साहब चो तो जी हुकूमत पानी कानून साजी न कर सके मतलब जो बुनियादी कम आने वो न कर सके तो मन इन मतलब आ तो उनकी मन वह हल को कानून साजी जैस तीन नी तेस ताई त उन जी उन हुकूमत जी का रिस्पेक्ट कोन हो रिस्पेक्ट न रहंदी उन जी वैलिडिटी कोन हो बड़ा बुनियादी कम है वे कोन कर सकंदो वो ता सिर्फ ऑर्डिनेंस दे तहत केतरे लंदो वो ट्रेन चेन में इनका पो वो लैप्स थी बेंदो त इन हिसाब सा जको अपोजिशन जे करे ये गलती थे को मोमेंटम ही पैदा था कने त ही हनन के मतलब जबरदस्त प्रेशर डेवलप करदा था कन हनन जी वर्किंग दिला मतलब इलाही प्रॉब्लम पैदा करदा त उन अगर बेहतर यो है त गवर्नमेंट घट में घट अड़ो माहौल पैदा करें जो जी असाई चो तो नेशनल लेवल जहाँ तुम इशूज हैं जी मतलब जिनकी कौमी अहमियत घट में घट में घट उन मामलों से इतफाक थे सही दुनिया में ही थी इवन भारत में इंडिया में ही अपोजिशन से गई हाँ तो अनादिर वक्त जो है ब्रेक जो हलूँ ब्रेक से ब्रेक त वापस अची वरी एक नए इशू के तहां के सामू रखी ढो इम्पोर्टेंट इशू है असा गड रहो वा मुख्तसर ब्रेक प्रोग्राम में भलीकार नादरीन ताज़ो ही जे यू आई के सरबराह मौलाना फजल रहमान के भा इंजीनियर ज़ियाउर रहमान के सिंध हुकूमत डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल लगाया है उन खां पोइ हिकिड़ो बहस छिड़ी वियो आहे त छा मौलाना फजल रहमान के भा के इते कहिड़ी मेरिट के बुनियाद ते रखियो वियो आहे उन जो सबब छा आहे उन जी कहिड़ी ज़रूरत पई सिंध हुकूमत के छा इते ऑफिसर्स की खोट है या को बिया मामला या को पॉलिटिकल इशू है या मौलाना फजल रहमान साहब की ख्वाहिश है असल मामलो ये सब शूँ आन ताज़ो मौलाना फजल रहमान जो भा लगो है उन अहम पेशरफ थी है अख्तियार साहब वोड़ी खबर है जहाँ समझा तो ब्रेकिंग है वह शेयर कह अख्तियार तव खबर ब्रेकिंग है पैं छी तो बुधा छी तो मुकर बल्कि कल काफ़ी उन प्रोग्राम भी थे वो तकरार सोशल मीडिया भरी पी है ताज़ा तरीन खबर यही माना खबर ब्रेक पा कर खबर बुदायूँ पाया भी नालो मणि वजो हाँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद के लिखी छो ज़ियाउर रहमान साहब जिनू खिदमतू असा का वी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वी सिंध हुकूमत के हवाले क्यों वफाकी हुकूमत सो इन जो खिदमत असा वापस कई वन उन यो है रीज़न उन्हें अस ऑफिसर की खोट आगे खबर नहीं के पी हुकूमत के खोट है वो दियन ही ना इन खिदमतू खोट वो हमारा बिन साल बगैर पोस्टिंग के वेठो मतलब त बेसिकली ही ज़ियाउर रहमान साहब तकरारी मानू आ नी इन पे तो प्रॉब्लम यो आने मुकर्री आर्थी आ पी एम एस में सूबाई मैनेजमेंट सर्विस ग्रुप में वह ही मतलब एक गैरकानूनी इलीगल आ जो ही आए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन जो मुलाजिम बाय प्रोफेशनल इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर सत्रह ग्रेड में 2007 में नोटिफिकेशन जारी करे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रूल्स रिलेक्शन करे पब्लिक सर्विस कमीशन के पास से रखी इनके जे यू आई जी हुकूमत हुई 2007 में जे यू आई जी न हुई शायद हि 2012 में आयो 2012 में इनके जैसे जे यू आई जी हुकूमत हुई मुतहदा मजलिस अमल की तेरे इन साहब के लगाया वो हो अफगान रिफ्यूजीज जो कमिश्नर उन में आंदो फ्रेंडली कम्युनिकेशन में खड़ी उतें लगे वो तो उन करे वो एक तकरारी मामलो बनो नैब में भी वो मूँ कि लगो पर जो एब्जॉर्प्शन आ मैनेजमेंट ग्रुप में वह 2007 में थी 2007 में शायद एन पी ए की हुकूमत हुई
2007 में सो एब्जॉर्प्शन थी तो वह एब्जॉर्प्शन जहाँ बेसिकली इलीगल आड़ो मूँ जो इंजीनियर आ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशन आ नॉन सिविल सर्वेंट जो सो दायरे में तो अचे बेसिकली सिविल सर्वेंट वाले दायरे में ही ना है तो उनके तवा सिविल सर्वेंट वह भी एग्जीक्यूटिव सर्विस जी पब्लिक सर्विस कमीशन जी पोस्ट आने खड़ी वही कर्जिम कर सकूँ सरियन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसलो आयो एक वो लैंडमार्क डिसीशन आयो खास तौर सिंध के हवा से पर जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो अचे तो मुल्क लागू तो थे तो अड़ी एब्जॉर्प्शन के सुप्रीम कोर्ट गैरकानून करार दे चुकी है सिंध गवर्नमेंट उन फैसले की बुनियाद से कोई 135 ऑफिसर जो फेडरल गवर्नमेंट जहाँ हुआ या बिन सूबाई हुकूमत जहाँ हुआ उन्होंने रिपेट्रेट कर छोड़ो वापस मोकले छोदन तो इन जो तो यो थे साहब के लिए सो सिंध गवर्नमेंट के जो मतलब इंफॉर्मेशन भी आको अचे तो न पर सिंध गवर्नमेंट पाँजा केतरा ही ऑफिसर्स जैसे अवेटिंग फॉर सर्विस में वेठा तो इन्हीं का खास खुसूसियत को नहीं। अच्छा पो जैसे पीटीआई हुकूमत आई तो अच्छा उतने रेजिस्टेंस भी थी इनके वे सीनियरिटी दई वे प्रमोशन भी ना वह उन्वी ग्रेड में पहुंचाया वो तो उन कर फजल रहमान साहब जी इंफॉर्मेशन आ जो गुजारिश कई दरी साहब के वह यही कई तो मुझे भाव से ज्यादा भी थे बिन साल उनके पोस्टिंग कान का तेबानी कर कुर्ब किया उ वा दयालु आयो सिंध दयालु आ सभी कहीं रही आलम यतीम खानो आ तो असंदे भी मेहरबानी कर सेनेटर कराए छियाबानी कानून वो खातो एडवोकेट जन सभी वा वा मत वेठा सोच विचार चीफ सेक्रेटरी साहब जी ऑफिस आसा मु राबो करो तो बाबा ही बेसिकली जो भी गलत कम थो ये जिम्मेदार चीफ सेक्रेटरी तो वही बनजे चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ही बनजे वो इंतजामी सरबराह हुआ सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के खरफरा तो उतो मुख्य जवाब यो मिलो तो ये जो अमल थो सी एम साहब के भाई पावर्स हैं तो वो रखी सके तो पर ये अमल यो तो मान सी एम कैबिनेट कानून कायदे में न प्रोपोजल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में वो ना चवन एस एन जी डी मुखालफत कई में प्रोपोजल में पर मामलो वो एडवोकेट जनरल वही कानून वो खातो साहब असो कानून उनमें कानून कायदे इंटरप्रिटेशन उदा उतों सपोर्ट वी वही उतों सपोर्ट वी जो सो इन एब्जॉर्ब किया एब्जॉर्ब सॉरी मतलब तो रिक्विजिशन कई वही फेडरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की रिक्विजिशन कई वही तो बाबा ही ऑफिसर असें खे सिंध गवर्नमेंट में इतने हुक्मरान के चार चंड लगी मतलब हाँ यो समझे कुछ डी मामलो सोशल मीडिया से आयो यो सही कल का नेशनल मीडिया सेट आए तो उनते शायद पीटीआई हुकूमत की भी इन में थी ना थोड़ी बदनामी उन्होंने भी थी जो फेडरल गवर्नमेंट उन्होंने वा एस्टेब्लिशमेंट दवीजन यो कि उन मूस न मैनेज छोड़ो इतने सिंध में तो न मैनेज किया बरादर मैनेज किया बायदा नदारी साहब वा मतलब चई सी एम साहब डायरेक्टिव जारी थी पैर बुरादरी शाह साहब की खिदमत वी वन इतना रिक्विजिशन वही वही उतने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में मैनेज थो वही एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जाहिर लिखो कें भी गवर्नमेंट के तबा ही के सिंध इन खिदमत घुरी एन ओ सी रही छी अस एतराज को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन नोटिफिकेशन जारी कर खिदमत इन हवाले कर छूँ सिंध गवर्नमेंट के हाँ प्रॉब्लम यो भी आयो तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबर पख्तूनख्वा हुकूमत उन्होंने खबर न वे तो ये आए मामलो ये मूँ जो सर्विस बैकग्राउंड इन मूँ के असं कें मोकल तो उनके उनकी क्रेडिबिलिटी भी मतलब बह सेट अची वही तो हाँ के पी हुकूमत यो ताज़ा तरीन खबर यह है तो लिखो आ खिदमत असके वापस कई वन अस तमाम सख्त जरूरत है इनका अस कम हल हाँ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन वा मुझी इंफॉर्मेशन आते वफाक हुकूमत वह है हाँ यो रीजन वो वो तो बबा सिंध गवर्नमेंट इन मोकलो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बरखिलाफ़ इन मूँ के डीसी लगा उते एक वही रिजेंटमेंट आ यो बुनियाद बनाया वो इन बेस से सो
इम्कान नहीं है, इम्कान है इन उम्र ते इन जी वतन नोटिफिकेशन वापस थी। ठीक है हलो चलो यो थियो एकड़ो मौलाना फजल रहमान साहब जो भा जते सबनी के असा सबनी के तकलीफ थी छा एड़े किस्म जा ब्या ऑफिसर्स असा वट सिंध में कोनन लगल बेन सूबन जा मानू इते कोनन लगल एड़ी रीत इसो तो बेन सूबन जो एड़े किस्म में मिसाल ई ऑफिसर एको सो जी एग्जीक्यूटिव सर्विस ग्रुप में चे लगे अड़ो तो ना पर बो एक मिसाल है वो भी ढो मुझे ख्याल में उनके रिकॉर्ड से आने की तमाम घनी जरूरत है भी असो जो सोशल मीडिया से या मीडिया के दोस्त कम था कन उनके भी हाईलाइट कन दिसन तो एक हमरा अब्दुल बर वो पान के सदाए तो आए वो अब्दुल लतीफ खोसो साहब जो अगुणो गवर्नर है पंजाब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रो साई आसफ अली जरदारी साहब जो वकील भी रो पाकिस्तान पीपल पार्टी जो लीडर भी आने जो भाणे जो तो सदाए चे तो मुझे मामो ठीक है उनके कराची फिशर में मजार है तो मतलब कराची फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो उनके चेयरमैन लगा वो काफ़ी अढ़ाई साल निसार मोराई साहब उतने हुए कराची फिशरमैन सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी मशहूर मारूफ इदारो उन 8-10 करोड़ रुपया जो सो टैक्स आमदनी है जो कराची फिश हार्बर तुम सो गुदी उत उन मानू के उत लगे वो कम यो थे सोन से सुहागो तो उन मानु प्रपोज किया बबा इन जी इदारे के हल्दड़ जो बोर्ड आ उनमें मन अक्सरियत हुई सरकारी मेंबर की मन बराबर हुआ अक्सरियत प्राइवेट हुआ पर 5-6 सूबाई सेक्रेटरी हुआ उन बोर्ड में जैमें कोऑपरेशन जो फाइनेंस जो बलदिया मतलब घट में घट जो सो उनमें 5 सेक्रेटरी हुआ तो फिशरीज जो तो उनके उन बोर्ड की फॉर्मेशन जे भी सरकारी निमाइंदा सरकारी बोर्ड में सब था सब कढ़ो अस ना खपन सिंध गवर्नमेंट कमाल किया कराची फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो बोर्ड आ उन कानून सिंध असेंबली जरिए तब्दील कर उन बोर्ड की फॉर्मेशन चेंज कर छी ए सब जहाँ सब सूबाई सेक्रेटरी जो सरकारी निमाइंदा हुआ कराची फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी बोर्ड में कढ़ी छजा हाँ उन निजी मानू मतलब प्राइवेट मानू रखी सजो सजो इदारो उन मानू हवाले कर छोड़ो अब्दुल बर साहब मान उनके कानूनी भी हुए हैसियत उन्हें थी वही ना मतलब बोर्ड जो जन कानूनी ता चेंज कयो उन जो एक्ट चेंज कयो उन जो मतलब देखो कुछ भी हो नोटिफिकेशन चेंज कयो तो उन में ता जो सो जगह सोसाइटी फॉर्मेशन वारो तो उन थियो उन के वो माना उन थीवा ए हो उते हाल नाला यो एको इसनी जरूरत है यार मतलब त ही अच्छा सिर्फ यो अच्छा असा वट पांजा मिसाल ता नसो हन ही जको आयो यो त सही ही जियाउर रहमान साहब जको फजल रहमान साहब जो भाव आ त सबई जके ऑफिसर हन उनन के सख्ती से चवे त कोई भी इनते ऑफिसर कोर्ट में न वेंदो जबानी तौर ते तला ऐ को भी जरूरत न कर सकंदो वेंदो त जाहिर आ नौकरी वेंदो जा उन इंक्वायरी थी वेंदी ऐ एड़ो ही मैसेज जको सो सागो ही मिसाल सिर्फ इनते कोन थयो तई मुराद अली शाह भा एजाज अली शाह साहब वो 1997 में भर्ती सॉरी 1992 में शाहन में भर्ती थो ठीक है पब्लिक सर्विस कमीशन जरिए वो 99 में 97 में हुकूमत खत्म था छे हल वो कैनेडा 99 में नौकरी हली वही बरतरफ थी 12 साल मुल्क का बाहर रो उन 2011 में एक अयास उम्र साहब मरहूम सरबराह में कमेटी ठाए गैरकानूनी तौर से उनके बहाल कर नौकरी में असिस्टेंट कमिश्नर वो उनकी पुरानी सीनियरिटी दई बन मानू का सीनियर कर उन्हीं ग्रेड में खड़ी आ वो मामलो सुप्रीम कोर्ट में हो उनके तहफुज देने के लिए उन गैरकानूनी बहाली के तहफुज देने के लिए इनके बया भी अड़का हुआ 600 मानू सिंध असेंबली में स्पेशल एक्ट पास कराए वो उन भी अस इंफॉर्मेशन आया तो न सिर्फ उन मानू के जो एक मू वो कोर्ट में उन केस का हथ खो कें बे के जरूरत न थी तो उन मानी बहाली चैलेंज कर खराबी मैं ये तो चवान तो असंगे फजल रहमान या खैबर पख्तूनख्वा या बेन जी उन न थी थे इतने अस पान भी असे इदारे जो पांजन मानून के नवाजन लाए अस मतलब मानू जहाँ न सिर्फ हक त मार्यूँ उन तरक्यू त मार्यूँ उन पर पाने सिस्टम के अस पा खराब अज डी हाँ वो मू कम डिप्टी कमिश्नर लगो वेठो कोई पुछण वो है एजाज शाह साहब जो ये कि बहाल थो या कोई चैलेंज अज भी जो जो मूल चैलेंज करें कोर्ट में
तो वो जो इन कानून पास कर असेंबली में तो मैं समझा तो घना इम्कान तो वो कानून ही उड़ी वो या कारण जो अड़ा टे कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिंध असेंबली जहाँ पैर उड़ाई चुकी है जी बेन हकन के मुतासर था कन या आईन की बुनियाद शिकन के बरखिलाफ़ तो यो एक वो खराबी है। उनके अलावा पब्लिक इन में लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो डेवलपमेंट ऑफिसर असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर कमीशन की पोस्टू आन उनमें को सो इन्होंने कोई पंज मू नवा एब्जॉर्ब कया रूल 9A या APT रूल जो जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चुकी है इन रूल तहत को भी केडर सर्विस से कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम जी वो पोस्टू आन डेवलपमेंट ऑफिसर जो असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर इन जो डिप्टी डायरेक्टर जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो उन्होंने इन्हें जो है सो मुख्तलिफ़ काउंसिल के मुलाजमन के खड़ी उन्होंने उतने उन्होंने जिम कर छो तमाम वो मिसाल कर जैसे सब ऑफिसर बदजन खन न सिर्फ एजाज दें जिन कम किया भी मतलब अदालत एकड़ा फैसला थी बुधाइन ही पाँच मर्जी से सब कुछ कन पाया वरी जैसे को अदालत में वो तो वरी ये मामला खुलंदा थे तो कुछ भी कौन दिसो थे गवर्नेंस जो सजो सिस्टम जो को पसंद ही ना तरह दिन हो तमा एक भी अदालत दे फैसला दे या कहने करे ठीक तू थे ने ता उस सिलसिले के ठीक कयो ना ता नेता चंगी हुंदी ते ठीक थी ना पर जे नेता में खराबी आ नेता में यो आ त कानून ठाणा है पांजन के नवाजण लाए हां यार मतलब त असेंबली फोरम यूज करे कानून चेंज कयो इन का वधिक बे केरी जो बदनी थी टारगेटेड मा यो ना तो जवा द असेंबली बदनी थी आ पर मानु जी तो बदनी थी आ है अपोजिशन वाला छता कर वे बैठा चुप कयो उन्हें मतलब रुगो रडन सा कुछ नथी तो ता बाकायदा यूनिवर्सिटी वो ये जो तो अपोजिशन वाले के दोस्तन के जो ता कोर्ट में वणो ना ता छो ता कोर्ट में वणो। अच्छा वक्त ब्रेक जो थयो है नाजिन ब्रेक ते वणो था ब्रेक ता वापस अची एक बे अहम इशू ते गुफ्तगू कंदासी असन सा गद रहजो वठो ता मुख्तसर ब्रेक। प्रोग्राम में एक भेरों बीहर भरी का नाजरीन सिंध हुकूमत अजरक वारूँ जो नंबर प्लेट्स आन आन जी मंजूरी दई छी है इन जी कड़ी जरूरत पेश आई छो इन जी जरूरत पेश अचे थी ये अजरक वारूँ तो खड़ी ठीक है सिंबॉलिक कल्चरल नमूने से पर हूँ इन जी जरूरत कड़ी हुई उन हवाले से पा गलूँ था अख्तियार कुछ बुधा पे तो ये जो सिक्योरिटी फीचर्स आन इन में ये आने में तमाम ज़रूरी हूँ असा या काफ़ी मानू ये समझन पाया यार ही तो पाँचा जो मानू आन सिंध हुकूमत समझे थी तो भाई जो अजरक वो इन में रंग हों तो असो जो पोजिशन है पाँच सिंध में मानू समझा तो यार सिंधी मानून से कल्चर से उनके सकाफत से ठीक है खुश थी पर अजरक नंबर प्लेट अजरक मास्क हो हाँ जो बाकी गड़े भी बींग करे छ हाँ मानू घटे में घटे हाँ न पर ही तो तवेर मुख्य बुधा पे तो में काफ़ी जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं इन जो फैसलो वफाकी हुकूमत अग में कर चुकी है पर इन अना तीन इम्प्लीमेंट न कर हो तड़ी का गाल कई साहब हाँ सिक्योरिटी फीचर्स नंबर प्लेट यो सिलसिलो अज का कोने 2012 का पे हाले 2011-12 का ये खास तौर पर एक बार वफाकी सतह से पे अमन अमान हवाले से मीटिंग थे थी फैसला थन था उन में यह गाल आई तो सारी दुनिया में जो सो यो हाँ खास तौर लॉ एंड ऑर्डर के लिए यो जरूरी है तो गाड़ियों जो नंबर प्लेट जन से उनमें सेफ होजन सिक्योरिटी फीचर्स जो उनमें जालसाजी न थी सके रेडेबल होजन उन्हें गोगो तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट आ सर्विलियंस कैमरा जो सिस्टम आ उन्हें इंटरलिंक्ड होजन तो जी अच्छा। गाड़ियों की ट्रैकिंग सो जल्दी थी सके बेहतर थी सके तो यो ये डिसीशंस या ये फैसला 2011 का वी हल पो फैसलो मतलब कौमी सतह करो यो साल अग में सत अठ साल अग में पंजाब हुकूमत इम्प्लीमेंट कर 2012 में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया इस्लामाबाद में इम्प्लीमेंट थोड़ा बलूचिस्तान भी इन कम शुरू कर सिक्योरिटी फीचर्स नंबर प्लेट उन्होंने माना हलन पे गाड़ियों के उतने लगन पे
असा वट सिंध गवर्नमेंट भी 2012-13 में 40 करोड़ रुपया रखा ए पर अज डी तीन सिंध हुकूमत जो एक्साइज खातो वो यो कम ना कर सको जडे एपेक्स कमेटी थियल वजीर अल साहब की सरबराही में अमन माल जैमें फौजी भी बया इदारा भी उनमें बार बार इन मामले में मन डिस्कस रो बार बार डिसीशन रो जोर दिनों वो तो कम कर तमाम घो जरूरी है सिक्योरिट नंबर प्लेट जो सेफ सिटी प्रोग्राम जो कैमराउन लगाने वालों सिस्टम है उन खास कर कराची हैदराबाद सक्कर शहर जिते तो मन अमन मान इतने ओपन फॉर आल है ना हाँ, तो वो सिर्फ नक्शल में यह गाल बुधा तो इन खूबी है नंबर प्लेट की तो रेट्रो रिफ्लेक्टिव हूँ यानी पे लाइट लगनी तो रात में भी तक डबल नजर इंदा इनमें सो चिप लगनी RFID ठीक है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ठीक है अच्छा RFID वा चिप होंगी हाँ एक प्रपोजल यो सो 3 नंबर प्लेट तौर से गाड़ी के विंडस्क्रीन से अंदर हणजे सो मन लही न सकंदी अगर को लाई तो वह टुटी वी चेकेबल अच्छा। ए हाँ प्रपोजल यो नंबर प्लेट लगे उनमें अंदर हो RFID की खूबी है वह ढी जबरदस्त शे वो बेसिकली ट्रैकिंग सिस्टम आ वो गाड़ी की सरी तथा ट्रैक थी खबर पवी ए यो मानू तो थोड़ा बार पवन इजाफी छाकाण जो नंबर प्लेट जहाँ जैसे वती वी या लगे वी तो वो मानून का ही पैसा वता वा तो वो यह शे मतलब पंजाब में इस्लामाबाद में हले पी अस गुजरे ढी सिंध काबिना जो इजलास उनमें ये असूली फैसलो थो तो वफाकी हुकूमत जो इदारो है NRTC नेशनल टेली रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन यो वजारत दफा जो इदारो है मतलब वजारत दफा तुम समझो था पा तो उन बेड नहीं तो बाबा तक कम थे को तो असंख जो अस गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्ट कर पंजाब हुकूमत भी कॉन्ट्रेक्ट किया बलोचिस्तान हुकूमत भी उन्होंने भी जो हाँ तुम भी असें जो तो अस तो सब कुछ कर दूँ तो वो वो असेंबली में कैबिनेट में तो उनके पेपर जो रूल्स हैं रिलेस कर यो ठेको जो सो बगैर टेंडर के इन दीजिए ठीक है तो हाँ कैबिनेट असूली फैसलो तो कर दीजिए पर उन कमेटी टाई है तो कमेटी हाँ उनके मीटिंग थी वन तो यो ऐसी तो इनमें सिक्योरिटी फीचर्स प्लेट में केतरा होजन जो पंजाब टे सिक्योरिटी फीचर्स वरता तो वह उन्होंने पे थी 1400 रुपये बलोचिस्तान वन 5 सिक्योरिटी फीचर वरता तो वह शायद उन्होंने 1800 रुपये थी पे तो असण अस 5 था वूँ 6 था वूँ यो उन कमेटी के तय करो तो केतरा सिक्योरिटी फीचर्स हूँ उनकी कीमत केतरी होंगी उन CM साहब यो है कमेटी के तो इंदड़े का नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग है उनमें रिपोर्ट दिजो तो उनमें यो इंदो तो हाँ प्रपोजल यो है जो पुरानी गाली उनमें तो ये फिलहाल होंगे जी नय गाली रजिस्टर थी नयू गाली उनमें लगन शुरू थी एन में ऐसो हद ये यह कर भी जरूरी है तो असा वो हाल आ 16 लख गाड़ी एक्सटाइज डिपार्टमेंट जो रजिस्टर थियल उनके असल नंबर प्लेट मिले ही ना अच्छा जैमें 14 लख मोटरसाइकिल 2 लख 4 व्हीलर उनका पैसा 1 अरब रुपया एक्साइज खाते वही छा रजिस्ट्रेशन वक्त फिलहाल उन्होंने सिर्फ लेटर दिनों तो चो तो टीन वाले बाहर नंबर प्लेट हणो असल जो नंबर प्लेटू वो तक पूरी वह पतन पे शहर में हलन 16 लख गाड़ी तमाम वो मतलब है तो यो अच्छा एक सवाल यो भी आ 8 साल में वाला छो न वी सके 2 दफा इन्होंने टेंडर किया दफा टेंडर किया 2013 में तो वो 1.5 साल गुजरी वो मतलब प्रोसेस न पूरा थे 40 करोड़ टेको 78 करोड़ से खड़ी आ कुछ उनमें नयू शड़ी खड़ी आया जो टेंडर में हुई को सिर्फ ठेकेदार के नवाजने ला उन हिसाब किताब करने लाए उनते इतराज थी वरी सो उन पेपर रूल्स भी उनके रिलैक्सेशन दिनों CM साहब वरी मामलो कोर्ट में वो तो बाबा ये बेन एतराज कर वो नी सको वरी 2017-15 में टेंडर क्यों वरी 2017 में टेंडर क्यों हर भेरे कम यो पाया कन तो अड़ी स्पेसिफिकेशन खड़ी पाया अचन अड़ो मन टेंडर या शर्त खड़ी पाया अचन जैमें उनको को खांचो थे उन बिडर एतराज पाया कन तो वरी मामलो कोर्ट में पे हाँ प्रॉब्लम
टेंडर ना है बी खाली है एनआरटीसी इदारा कौमी इदारो वजारत दफा इदारो उत खांचो तो को बी गाल में ऑफिसर भी ढा रिलैक्स रिलैक्स इन कर खबर है बबा सुबह केस वेस को नैब जो इन कौमी इदारो प्रॉब्लम शे ख्याल में यह भी रिकॉर्ड आने छो एक्साइज खाते लिखो होम डिपार्टमेंट के तुम बुधा असें तो इन क्यों तो होम डिपार्टमेंट वापसी में खत लिखो अस इन मामले से राय वरती है कोर्ट हेडक्वार्टर का डी जी रेंजर्स का आई जी प्रिजन का आई जी पुलिस का यो लिखो बाद में ये चयं तो हिंदो एन आर टी सी असो इदारो है यो बुधा रहा कौमी इदारो है स्पेसिफिक कम कड़ी फील्ड में जैसे बया डाइन कदा पर लिखो आ खत में तो ये जो सिक्योरिटी फीचर्स नंबर प्लेट्स ये मार्केट में बया भी ठाइन था उनका बेहतर यो थो इनके खासो न बेहतर यो थो टेंडरिंग में वनो टेंडरिंग में वनो उनन जो प्रपोजल ये बात बेहतर ही बात टेंडरिंग में वनो पर कैबिनेट उसी फैसलो के बाद टेंडरिंग में न था वन न था वनो शागण जो टेंडरिंग में जदे भी वनो था तो मामलो जो बात रुली तो वरी वरी ब्या 7 साल असल में कम थन कबे कड़ी बार थोड़ी देर मांगी मिलती पर एक बात घट में घट मानून के सुठी नंबर प्लेट्स तो मिले कराचीन के सिंध वारन के मानून के न तो घट में घट पुरानी नंबर प्लेट टीन जो भी जाली गैरकानूनी असूली न पैसा वे रखी छन मानू के जन था सो यो है खूबसूरत हुजन या केतरा फीचर्स हुजन उनके में पर असल यो है तो जैसे मानून के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू खान उनके लिए जरूरी है हां तो वो जरूर सो वो ले लाइक आखिर बस बस लफ्ज चल यो 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 तरह वधिक इन ये फायदे थी दी जेने तमा सेफ सिटी प्रोजेक्ट है नो जेने त गाडी जेने त पानी सिस्टम सर्विस सिस्टम उन हवाले सब काग भराई थन कैमरा आनो उन में त जीरो आयो उन दे पर तो बाकी फायदो केड़ो थे सेफ सिटी प्रोग्राम जो शायद और अलग बे प्रोग्राम में बगलाइंदा थे ठीक तो चाहे उन में छोद अगभराई थी ठीक है बस हां नादिन प्रोग्राम जो वक्त पुजाई ते पहुंचे तो असा के दिन इजाजत अल्लाह ने कहा।